इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मौद्रिक अर्थशास्त्र के एक नवीन अवधारणा, जिसे हम लोग स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं, पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि ये स्टैगफ्लेशन दो शब्दों, एक है स्टैगनेशन और दूसरा है इन्फ्लेशन, दोनों को जोड़ के बनाया गया है। स्टैगनेशन का स्टैग और इन्फ्लेशन का फ्लेशन, दोनों मिला के ये शब्द बना है स्टैगफ्लेशन। स्टैग्नेशन का अर्थ अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास के संदर्भ में हम इस रूप में लेते हैं कि एक ऐसी स्थिति जिसमें आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया हो या उसमें स्थिरता आ गई हो या गतिहीनता आ गई हो। और इन्फ्लेशन का अर्थ हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि एक ऐसी स्थिति जिसमें सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही हो और ये वृद्धि अस्थायित्व लिए हुए हो, अर्थव्यवस्था के लिए हानिकर हो, और इस प्रकार से जो स्थिति स्टैगफ्लेशन की बन रही है उसमें दोनों स्थितियां एक साथ दिखाई पड़ती हैं। मुद्रास्फीति की स्थितियां भी होती हैं, मूल्य स्तर में तेजी से वृद्धि होती है और साथ में आर्थिक गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। आर्थिक विकास की गति या तो बहुत धीमी हो जाती है और कई बार यह ऋणात्मक भी हो जाती है, और उस स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी की भी भीषण स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये शब्द स्टैगफ्लेशन पहली बार चर्चा में आया था जब 1965 में हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन में एक कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद ने, जिसे हम लोग इयान मैकलियॉड के नाम से जानते हैं, उठाया था। उस समय ब्रिटेन में जो स्थिति थी उसमें उन्होंने देखा कि सामान्य तौर पर तो इन्फ्लेशन जब होता है तब बेरोजगारी नहीं होती या आर्थिक विकास की गति मंद नहीं होती, और जब बेरोजगारी की स्थितियां होती हैं वैसी स्थिति में अवस्फीति या मूल्यों में गिरावट की स्थितियां पाई जाती हैं, मुद्रास्फीति की स्थितियां नहीं पाई जाती। और संसद में इन्होंने ये बताया कि इस समय अब ये दोनों स्थितियां अलग अलग नहीं हैं, एक साथ दोनों स्थितियां आ गई हैं, और उन्होंने वही शब्द यूज किया कि अब जो स्थिति है वो स्टैगफ्लेशन की है, जिसमें स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और मुद्रास्फीति दोनों हैं, और ये स्थिति बहुत ही एक प्रकार से विचित्र है, क्योंकि आर्थिक साहित्य में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर, मतलब ये कभी कभार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती थीं, लेकिन ये किसी बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न नहीं हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और पुनः 50वें दशक के प्रारंभिक स्थितियों में जब कोरियाई युद्ध विश्व की एक महान समस्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, उसके बाद इस तरह की कुछ स्थितियां 60 के दशक में देखने को मिली थी, और ब्रिटेन में भी जो स्थिति दिखाई पड़ी उसके आधार पर इस तरह का एक नाम आया। लेकिन ये स्थिति गंभीर तब हो गई
जब 70 के दशक में अमेरिका में ये समस्या भीषण रूप में एक गंभीर समस्या के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में आई और ये पाया गया कि मुद्रास्फीति की दरें बड़ी तीव्र हैं और साथ में आर्थिक मंदी की स्थिति भी आई है और बेरोजगारी की दरें भी बढ़ गई हैं, और तब अर्थशास्त्रियों का ध्यान इस समस्या पर गया और गंभीरता से उस पर विचार हुए और उसके संदर्भ में नीतियां बनाई गई, भले ही वो सफल न हो पाई हों, क्योंकि एक तरह से इस तरह की स्थितियां इसके पहले कभी इतने गंभीरतम रूप में आई नहीं थी। अभी हम उन पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या नीतियां अपनाई गई और जिससे हमको ये समझने में मदद मिलेगी कि अगर स्टैगफ्लेशन की स्थितियां हों तो किस प्रकार की नीतियां अपनाई जाएं, क्या सावधानियां बरती जाएं और कैसे इस गंभीर स्थिति को जिसमें दो परस्पर विरोधी नीतियों या आर्थिक दशाओं का टकराव है जो सामान्यतः इसके पहले तक स्वीकार नहीं की जाती थी, तो उस स्थिति में स्टैगफ्लेशन अर्थशास्त्र का या आर्थिक साहित्य में एक विषय के रूप में महत्वपूर्ण रूप में आया और तब से अब तक ये स्थितियां विश्व में अनेक देशों में कई बार उत्पन्न हो चुकी हैं और समस्या बनी हुई है और उस पर गंभीरता से विचार हो रहे हैं। तो मैं पहले आपको स्टैगफ्लेशन और जिसको मैं हिंदी कर रहा हूँ स्टैग्नेशन को अगर मैं गतिहीनता कहूँ, मंदी कहूँ और इन्फ्लेशन को स्फीति कहूँ, तो हम इसे स्फीति की गतिहीनता कह सकते हैं हिंदी में, या इसको हम स्फीति जन्य मंदी या गतिहीनता कह सकते हैं, और अब तो हिंदी में हम इसको सीधे स्टैगफ्लेशन भी लिखते हैं। तो इस रूप में जब हम स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने 5-6 परिभाषाएं स्टैगफ्लेशन की लिखी हैं जो एक तरह से परस्पर मिलती जुलती हैं, लेकिन आपको इसे समझने में थोड़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इसलिए मैंने ऑन रिकॉर्ड वहाँ लिख के डाल दिया है। उनमें से एक परिभाषा को मैं बोर्ड पर लिखा हूँ और जिसके माध्यम से आपको समझा सकता हूँ। स्टैगफ्लेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड स्टैगनेशन एंड इन्फ्लेशन, ये पहले हम आपको बता ही चुके हैं। अब ये इसमें इसका अर्थ क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स, ये वर्णन करता है या बताता है कि एन इकोनॉमिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द स्लो ग्रोथ, एक ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें विकास की गति मंद हो और हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो और उच्च बेरोजगारी की स्थिति हो, जिसे हम स्टैग्नेशन का नाम दे सकते हैं, और इसी के साथ साथ मिक्स्ड विद राइजिंग प्राइसेस, और ऐसी स्थिति में मूल्य स्तर में तीव्र वृद्धि भी हो रही हो, और आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। सामान्य तौर पर जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति होती है, गतिहीनता की स्थिति होती है, बेरोजगारी की स्थिति होती है, उस स्थिति में हमने जो आर्थिक साहित्य में पढ़ा है और जब जहाँ कहीं भी हम लोगों ने ट्रेड साइकिल या चक्री उतार चढ़ाव को पढ़ा, व्यापार चक्र को पढ़ा है, वहाँ मंदी की स्थितियों में देखा है कि मंदी की स्थितियों में बेरोजगारी फैलती है, उत्पादन गिरता है, लेकिन कहीं ये नहीं पढ़ा कि मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। तो ये एक विरोधाभासी स्थिति आई और इस नाते ये गंभीर समस्या के रूप में अर्थशास्त्रियों के मध्य एक विषय के रूप में परिवर्तित हुआ। तो इसी तरह की परिभाषाएं वहां से भी हम देख सकते हैं और उनकी व्याख्या कर सकते हैं और इस स्टैगफ्लेशन को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी परिभाषाएं हैं आप उसे वहां से देख सकते हैं। एक आध परिभाषाएं मैं फिर आपको बता दे रहा हूं। स्टैगफ्लेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टैग्नेशन,
विच इज एट सेम टाइम एकम्पनीड बाई द राइजिंग प्राइसेस, बिल्कुल सेम जो परिभाषा यहाँ लिखी हुई है उसी तरह के निष्कर्ष इस परिभाषा से भी निकलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इन्फ्लेशन की गति बहुत तीव्र होती है, रैपिड इन्फ्लेशन होता है और साथ में हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उच्च स्तर की बेरोजगारी होती है। और स्टेग्नेशन का अर्थ जो होता है वो ये होता है कि स्टेग्नेशन रिफर्स टू एन इकोनॉमी दैट इज एक्सपीरियंसिंग ये साइमल्टेनियस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एंड स्टेग्नेशन ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट। एक स्टेग्नेशन का अर्थ होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है उसकी बढ़ने की गति मंद होती है और जो साथ ही इसमें इन्फ्लेशन की स्थितियां भी होती हैं। तो इस स्थिति में स्टेग्नेशन जिस रूप में हम देख रहे हैं उसमें दो विपरीत स्थितियां हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, गिरता हुआ उत्पादन है और साथ में बढ़ती हुई कीमतें हैं। और यहाँ पर एक बात हम और स्पष्ट कर दें और जो बड़ी मज़ेदार है वो ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है कि जब इन्फ्लेशन होगा वैसी स्थिति में स्टैग्नेशन होना जरूरी नहीं होता। जैसा कि हम इन्फ्लेशन के बारे में जानते हैं कि इन्फ्लेशन की परिभाषा में कहीं भी ये नहीं होता कि स्टैग्नेशन है, लेकिन स्टैग्नेशन के साथ इन्फ्लेशन हो सकता है और जब इन्फ्लेशन के साथ स्टैग्नेशन होता है तभी हम इसको स्टैगफ्लेशन कहेंगे। तो स्टैगफ्लेशन में जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है स्टैग्नेशन और उसमें जब जुड़ जाएगी इन्फ्लेशन तो हम इसको कह देंगे स्टैगफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर अकेली है तो ये इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन के साथ स्टैग्नेशन का होना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर स्टैग्नेशन है तो उसके साथ इन्फ्लेशन जुड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो हम इसे ही स्टैग्नेशन का नाम देते हैं। तो अब हम इस रूप में अगर देखें तो एक तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए कि वास्तव में स्टैग्नेशन उत्पन्न क्यों होता है, और अगर उधर हम दृष्टि डालें और जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में देखा गया वो ये था कि इसके जो कारण हैं वो मौद्रिक हैं या राजकोषीय हैं। तो दो फैक्टर होते हैं, एक कौन सा कारण है मॉनेटरी एंड फिजिकल। मौद्रिक और राजकोषीय कारक हो सकते हैं और ये दोनों कारक जो हैं ये सरकार के नीतियों पर निर्भर करते हैं और सरकार की नीतियां तब इनमें इनको हम अपनाते हैं या इनका उपयोग करते हैं जब अर्थव्यवस्था में किसी तरह की समस्या होती है। तो अगर अर्थव्यवस्था में मैं कहूँ कि रिसेशन की स्थितियाँ हैं, अवसाद की स्थितियाँ हैं, उत्पादन गिर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, वैसी स्थिति में सरकार सस्ती मौद्रिक नीति लेके आती है, मुद्रा नीति ले आती है जिसमें ब्याज की दरों को घटाया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास क्रय शक्ति पहुँचे और अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में वृद्धि हो। ऐसा ही केंद्रीय अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा है। और इसके लिए मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है, नई नोटें निर्गमित की जाती हैं। तो ये मौद्रिक नीति का एक पहलू हो सकता होगा और जब ऐसा होगा तो ये मान के चला जाता है कि अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और ये अवसाद या मंदी की स्थितियों में सुधार होगा। उसी के साथ साथ जब इन्फ्लेशन की स्थितियां होती हैं तो वैसी स्थिति में फिजिकल पॉलिसी का प्रयोग करते हैं कि अर्थव्यवस्था में करारोपण लगाए जाते हैं, कर लगाए जाते हैं और करारोपण के माध्यम से क्रय शक्ति को कम करने का प्रयास किया जाता है ताकि वस्तुओं के मूल्य में जो तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं वो घटे। तो
और मंदी की स्थितियों में हम ऋणों का उपयोग करते हैं और जनता से या केंद्रीय बैंक से या अन्यत्र जगहों से, विदेशों से, कहीं से भी ऋण लेके अपनी आर्थिक क्रियाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो जिसमें मुद्रा की मात्रा प्रचलन में बढ़ती है और कीमत असर बढ़ती है। अब देखिए, दो विरोधी बातें हैं। उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम मौद्रिक नीति को का उपयोग सहारा लेते हैं और उसके माध्यम से कीमतें बढ़ने लगती हैं, और कीमत बढ़ने को घटाने के लिए हम फिर करों का उपयोग करते हैं, और करों का जब उपयोग करते हैं तो अर्थव्यवस्था में लोगों की क्रय शक्ति में, उनकी मौद्रिक आय में कमी होती है, क्रय शक्ति घटती है, और जिसके कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, और जब मांग पर प्रभाव पड़ते हैं तो उत्पादन की प्रक्रिया पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं और अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर एक तरह से अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक समस्या का जब हम निदान करते हैं तो दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है, और इस विरोधाभासी स्थिति में निर्णय ले पाना बड़ा ही कठिन होता है और चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि दो परस्पर विरोधी आप कह सकते हैं शक्तियों को कंट्रोल करना है, और दोनों के लिए अलग अलग और परस्पर विरोधी नीतियां हैं, उनमें समन्वय और सामंजस्य कैसे स्थापित करें। तो वहां पर अगर गलतियां होती हैं सरकार के निर्णयों में, चाहे मुद्रा के नीति के बारे में, ब्याज दरों के निर्धारण के बारे में, मुद्रा और की पूर्ति बढ़ाने के संदर्भ में, चाहे ऋणों के माध्यम से या करों के माध्यम से, राजकोषीय नीतियों के परिवर्तन के माध्यम से, उत्पादन और मूल्य स्तर पर इसके प्रभाव स्थापित करने की बातें होती हों। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ति के अवरोध। पूर्ति के अवरोध का मतलब उत्पादन बढ़ाने में किसी कई तरह की रुकावटें आती हैं, और टेक्निकली हम इसको सप्लाई शॉक्स कहते हैं। ये पूर्ति आघात, हिंदी में इसको हम लिख सकते हैं, शॉक्स माने झटके होते हैं, और जो एक तरह से पूर्ति को प्रभावित करते हैं। आघात होती है मतलब पूर्ति पर चोट पहुंचती है, इसका मतलब उत्पादन गिरता है या उत्पादन बढ़ने से उसमें अवरोध या रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं। तो अगर ऐसी सप्लाई साइड पर, वास्तविक उत्पादन पर कोई इस तरह का प्रभाव पड़ता है तो ये प्रभाव सामान्य तौर पर इन नीतियों के माध्यम से पड़ सकता है सरकार की, और या फिर जो लागत की दशाएं हैं उनमें किसी तरह का परिवर्तन हो सकता है, जिसमें लागतों में तीव्र वृद्धि हो सकती है। और लागतों का मतलब इनपुट, उत्पादन की जो लागतें हैं उसमें मजदूरी दरों में वृद्धि हो जाए, कच्चे माल में वृद्धि की कीमतों में वृद्धि हो जाए, मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाए, या जो उसमें शक्ति के साधन लगते हैं, यातायात के साधन हैं, इन सब की में कहीं वृद्धि हो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं, शक्ति के जितने अन्य साधन हैं एनर्जी के, उनमें कहीं कोई दिक्कत वृद्धि हो जाए, तो वैसे स्थिति में ये जो पेट्रोल है जो शक्ति के साधन के रूप में इंडस्ट्रीज में प्रयुक्त होती है, यातायात के साधनों में प्रयुक्त होती है, संचार परिवहन इन सब में, ये उत्पादन की प्रक्रिया को बहुत ही आप कह सकते हैं कि प्रभावित करती है। वैसी स्थिति में हम ये कह रहे हैं कि अगर उत्पादन की में जो आगत हैं, मशीनरी हैं, इक्विपमेंट हैं, यातायात के ये तमाम संसाधन हैं, शक्ति के साधन हैं, या परिवहन की सुविधाएं हैं, या इन सब में अगर कहीं वृद्धि होती है तो उत्पादन की लागतें बढ़ती हैं, और जब लागतें बढ़ती हैं तो इसको हम कहते हैं कि पूर्ति को ये अवरोधित करती हैं, बढ़ने नहीं देती। तो इस तरह के सप्लाई शॉक्स भी या पूर्ति आघात जो हैं वो प्रभावित करते हैं उत्पादन की मात्रा को, और इस रूप में मंदी लाने में या उत्पादन की रेट को, विकास की दर को अवरुद्ध करने में, धीमी करने में ये एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस रूप में मुख्यतया मौद्रिक नीतियों को, राजकोषीय नीतियों को, और ये पूर्ति आघातों को मंदी के लिए जिम्मेदार माना जाता है, और इस रूप में
जब अवरोध उत्पन्न हो गया, उत्पादन नहीं होगा, पूर्ति की में कमी आएगी तो उसके कीमतें बढ़ेंगी, और उत्पादन नहीं होगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो ऐसे स्थिति में ये एक जटिल समस्या के रूप में आता है, जिसमें इस तरह के विरोधाभासी जो आप कह सकते हैं स्थितियां उत्पन्न होती हैं, और जिनको नियंत्रण करना भी बड़ा कठिन होता है, और जिनको वो एक तरह से पहले तो उन्हें रोक पाना कठिन होता है, और जब ये उत्पन्न हो जाती हैं तो इन्हें फिर सुलझा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें, क्योंकि इस कंसेप्ट को समझने में हमें इससे मदद मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले ये स्थितियां संयुक्त राज्य अमेरिका में गंभीरतम रूप में देखी गई थी। तो सप्लाई साक्स के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी विश्व में, वो थी आयरन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के एक निर्णय, ओपेक जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयरन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो तेल निर्यातक देश थे, इन्होंने एक संगठन बनाया, और संगठन बना करके, और संगठन बना तो आप आ जाइए ओलिगोपोली में जिस तरह का कार्टेल बनता है, वो एक अधिकार का शक्ति मिल गई उस संगठन को, और संगठन की एक केंद्रीय बॉडी निर्णय लेने लगी कि तेल की कीमतों को, कितना तेल उत्पादित करना है, कितना निर्यात करना है, कितने मूल्य पर इसको बेचना है। और जब ऐसा हुआ तो उस पर उनका एक अधिकार हो गया, और क्योंकि ये तेल निर्यातक देश थे, इन्हीं के तेल पूरे विश्व में शक्ति के साधन के रूप में उपयोग किए जाते थे, और इनके मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई। पहले तो मूल्य को दुगुना किया गया, और कई बार बाद में चल के ये चार गुना तक हो गया, और इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा, क्योंकि अमेरिका सारा पेट्रोल इन्हीं निर्यातक देशों से ले रहा था। तो वैसे स्थिति में उनकी लागतें बिल्कुल बढ़ी, और उत्पादन को बढ़ा पाना उनके लिए कठिनतम होने लगा, और यह एक बड़ा कारण था उसमें। और जहां तक मौद्रिक नीतियों का संबंध है, उसमें भी उस समय के जो राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने कई निर्णय लिए। उस निर्णय में एक तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो अमेरिका में लागू था, और जिसमें डॉलर के पीछे स्वर्ण के रूप में मुद्रा रखी जाती थी, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, और डॉलर को एक फिएट मनी के रूप में स्वीकार किया गया, और जिसमें अब उसके पीछे कोई सोना या इस तरह की कोई भी चीज़ रखने की आवश्यकता नहीं थी। और जब ऐसा हुआ तो डॉलर की मात्रा को बढ़ाना आसान हो गया सरकार के लिए, और वह ऐसे स्थिति में डॉलर की पूर्ति में वृद्धि की गई इस समस्या या इस आर्थिक मंदी को दूर करने की इस के रूप में, और उस रूप में कीमतें बढ़ी, मुद्रास्फीति की स्थितियां आईं, और जो करारोपण की नीति अपनाई गई उस समय वो भी इस समस्या को बढ़ाने में मददगार हुई। और इस रूप में ये जो समस्या थी जिसको हम लोग स्टेग्फ्लेशन कह रहे हैं, वो बड़ी गंभीर समस्या के रूप में उद्भूत हुई, और इसके प्रभाव बड़े लंबे समय तक रहे, और तब से अब तक विश्व के तमाम देशों में बार बार इस तरह के अवरोध उत्पन्न होते रहे हैं, और इसलिए ये समस्या गंभीरतम रूप में है। यदि हम अपने भारत के संदर्भ में देखें हाल के वर्षों की, तो वैसी स्थिति में भी ये सारी जो स्थितियाँ हैं वो भारत में वर्तमान समय में भी विद्यमान है। महंगाई इस समय अपने चरम पर है, उत्पादन बढ़ने की दर आपने देखा है कि पिछले वर्षों में घट गई थी, शून्य या ऋणात्मक स्थितियों तक पहुंचने की स्थिति हुई थी, और अब भी हम अगर पिछले वर्षों से तुलना करेंगे तो वास्तविक रूप में यदि हम अर्थव्यवस्था में उत्पादन की स्थिति देखें तो बड़ी नाजुक सी थी, और कुछ सुधार हुए हैं अब, और बेरोजगारी की स्थितियां अब भी चरम पर हैं, महंगाई अब भी चरम पर है, उत्पादन के अवरोध अब भी यथावत हैं। तो ऐसी स्थितियां, यही स्टैगफ्लेशन की स्थिति है जो इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले कई वर्षों से है, और उनके कारणों के पीछे जब जाएंगे हम तो हम किसी राजनीतिक बहस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो नोटों का विमुद्रीकरण हुआ, मुद्रा का,
सरकार ने नीतियां अपनाई करारोपण के संदर्भ में, जो नीतियां अपनाई आपके इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के संदर्भ में, और ऊपर से जो एक प्राकृतिक आपदा आई महामारी के रूप में कोविड, इस सब ने हमारी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया। और जो ये सप्लाई साक्स हैं इनके असर हुए और उत्पादन गिरा। और दूसरी तरफ श्रमिकों के रोजगार छीने, छोटे उद्योगपतियों या छोटे छोटे जो खुदरे व्यापारी, इन सब के रोजगार बंद हो गए। किसानों के उपजों पर इसके बड़े दुष्प्रभाव पड़े, और जिनका परिणाम ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति इनकी घटी और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग पर इनके प्रभाव पड़े, और इस नाते भी उत्पादन में मंदी आई। लेकिन उसके बावजूद कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसके भी अपने अलग कारण हैं। मौद्रिक नीतियों के माध्यम से या इस रूप में आप कहें, अमेरिका में जब इस तरह की नीतियां फेल हुई थी 70 के उस दशक में, 73 के और 80 के बीच में, तो कहा जाता था कि जो केंद्रीय बैंक ने जो निर्णय लिए वो निर्णय राजनीति के दबाव में लिए गए थे। भारत देश में भी केंद्रीय बैंक पर राजनीतिक दबाव की शिकायतें एक तरह से बताई जाती हैं, और जो भी केंद्रीय बैंक ने निर्णय लिए हैं मौद्रिक नीति के, वे देश के या इस व्यवस्था, इस समस्या को सुलझाने में सफल नहीं हुए। तो इस दृष्टि से मैंने भारत का उदाहरण इसलिए दिया कि ताकि थोड़ा सा आपको उधर ध्यान जाए कि जो स्टैग्फ्लेशन के पीछे कारण है वो कारण मौद्रिक नीतियों, राजकोषीय नीतियों और ये पूर्ति संबंधी जो उत्पादन पर अवरोध उत्पन्न होते हैं, जिनमें मुख्य तौर पर उत्पादन के लागतों में वृद्धि और समग्र मांग में कमी, ये दोनों तत्व गंभीरतम रूप में इसको प्रभावित करते हैं। तो ये एक तरह से हम स्टैग्फ्लेशन के उन कारणों की तरफ थोड़ा सा हमने प्रकाश डाला, और स्टैग्फ्लेशन होता क्या है उस स्थिति पर को हमने देखने का प्रयास किया, और इसी संदर्भ में हम इनके प्रभावों और इनके रोकने के उपायों पर भी ध्यान दे सकते हैं। जब हम देखते हैं कि इनको कैसे रोका जाए, तो वैसे स्थिति में हमने पहले ही कह दिया कि दो परस्पर विरोधी हैं समस्याएं, दोनों के उपाय परस्पर विरोधी होंगे। एक के लिए जो हम उपाय करेंगे वो दूसरे को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करेंगे, और वैसी स्थिति में नीतियों में सामंजस्य स्थापित कर पाना बहुत ही कठिन होगा काम। तो एक बड़ी समस्या, नीतियों को तो हम आर्थिक नीतियों को वहां छोड़े, मौद्रिक नीतियों और राजकोषीय नीतियों में किस तरह के कोऑर्डिनेशन या समन्वय होंगे, ये थोड़ा कठिन विषय है। और आज के इस छोटे से वीडियो में और इस विषय के चर्चा के संदर्भ में उनको डिटेल नहीं बताया जा सकता। लेकिन जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो सरकारी नीतियां हैं, और उन सरकारी नीतियों में अगर मौद्रिक नीति को मैं छोड़ दूँ, मैं राजकोषीय नीति की तरफ जाऊँ, तो वैसी स्थिति में सरकार के दो निर्णय बहुत गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं इस सप्लाई साक्स को, और वो है उसके व्यय और करारोपण की नीतियां। व्यय की नीति का मतलब यह है सरकार के जो व्यय हों, ये सरकार के व्यय उत्पादन संबंधी कार्यों पर किए जाएं जिनसे अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़े, जिससे अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति का सृजन हो, और ये कथनी और करनी दोनों में एक रूपता के रूप में होना चाहिए, अर्थात ऑन रिकॉर्ड जैसे बजट में जो प्रस्ताव आते हैं उनको धरातल पर कार्य रूप दिया जाए। ऐसा न हो कि जो धन संशोधित एक तरह से आप कहते हैं कि स्वीकृत होता है किसी परियोजना के लिए, उसका मिस एप्रोप्रिएशन न हो।
धन किसी दूसरी मत पर न खर्च किया जाए और उसके बीच में भ्रष्टाचार न आए, उसको सही ढंग से उपयोग में लाया जाए, वो धन उन हाथों में पहुंचे जहां क्रय शक्ति का सृजन हो और उत्पादन साथ साथ बढ़े। तो इस रूप में सरकारी योजनाओं में जो कुल व्यय होता है वो कहने को तो उत्पादक व्यय कागज पर दिखता है, लेकिन ये व्यय भ्रष्टाचार के बल चढ़ता है और वास्तविक उत्पादन नहीं बढ़ पाता। जिनके हाथ में ये क्रय शक्ति पहुंचनी चाहिए वहाँ नहीं पहुंच पाती और किसी अन्यत्र दूसरे के हाथ में जाती है जहाँ उसका दुरुपयोग होता है या ऐसे जगह पे जो खर्च होते हैं जो देश के हित और समाज के हित में नहीं होते। तो ये दृष्टि और ये अभाव जो है भारत सरीखे देशों में है और इसके कारण और कई बार राजनीतिक निर्णय भी छलावे के रूप में आते हैं और कई बार प्रश्न उठे हैं कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, जिसमें करीब 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर का खर्च होना है और ये कैसी स्थिति, कठिनतम स्थिति में जब हमने हमारा देश इस महान भीषण मंदी, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, वैसी स्थिति में इस प्रकार के खर्चे वहाँ न करके वे खर्चे वहाँ होने चाहिए थे जहाँ उत्पादन सृजित हो, रोजगार सृजित हो। और ये तो एक उदाहरण मात्र है, अगर इस तरह के सरकार व्यय करते हैं जो अनुत्पादक कार्यों एक तरह से व्यय हो या जो ऐसे कार्यों पर व्यय हो जहाँ समय की वांछनीयता जिन कार्यों की उस पर न व्यय करके ऐसे मदों पर हो जो समय काल और परिस्थिति के अनुकूल न हो, तो वहाँ पर ये दुष्प्रभाव डालेंगे। और इसी तरह से मौद्रिक नीतियों में भी अगर सरकार किन्हीं दबावों में आती है, और जैसा कि हमने देखे हैं कि किस प्रकार से बैंकिंग के कितने घोटाले भारत में हुए हैं और ऐसे लोगों को बैंकों की से पैसे या ऋण उधार दिए गए हैं और बड़ी राशियों में जो सही कार्यों में उपयोग में नहीं लाए गए और जिसका दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था पर या बैंकों के फेलोर के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं और जो एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस स्टैगफ्लेशन को लाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है। तो इस रूप में जब हम पाते हैं तो ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी मौद्रिक नीतियों और राजकोषीय नीतियों को अपनाए और जो भी सप्लाई साक्स हों, उत्पादन में जो भी अवरोधक कारक हों, उनको वो हल करने का प्रयास करें और अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक संरचना जो भी अर्थव्यवस्था में हों, जो भी एक तरह से विरोधाभासी स्थितियां हों, उन सब में समायोजन करें और इस प्रकार से समन्वय करें कि वो हमारी आर्थिक क्रियाओं को तेजी से बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो इस दृष्टि से हम लोग इस जो हमारी ये स्थितियां हैं स्टैगफ्लेशन की, उनको दूर करने का प्रयास करें। तो ये स्टैगफ्लेशन एक विरोधाभासी स्थिति है। सामान्य तौर पर आर्थिक साहित्य में इस तरह की स्थितियां पहले नहीं देखी जाती थी, नहीं देखी गई थी, इस नाते यह एक चैलेंजिंग विषय के रूप में है और एक तरह से सरकारों और अर्थव्यवस्थाओं और शास्त्रियों के लिए चुनौती है कि इस गंभीर स्थिति को से कैसे निपटा जाए और उसके लिए किस प्रकार से जो कारण हैं या जो जहाँ से हम इसको सुधार सकते हैं, वो हर स्थिति में उत्पादकता को बढ़ाना होगा और जब उत्पादकता बढ़ेगी तभी बेरोजगारी दूर होगी, तभी महंगाई घटेगी क्योंकि पूर्ति बढ़ने से इधर होगा प्रभाव। तो इस दृष्टि से ऐसी सारी नीतियों में एक तरह से समन्वय होना चाहिए। हो सकता है कि राजकोषीय नीति निर्धारक अलग बैठे हों, मौद्रिक नीतियों के निर्धारक अलग हों और दोनों में समन्वय का अभाव हो,
और दोनों की नीतियां परस्पर एक दूसरे के सहयोग न करके और एक तरह से दोनों परस्पर विरोधी हो जाएं, वो ऐसी स्थिति में एक समन्वय से सब कुछ जिसमें ऐसा कुछ हो जाए कि इसको दूर करें। और मैंने कहा कि दूर करने का सबसे जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वो है उत्पादकता या उत्पादन में वृद्धि। और जब उत्पादन में वृद्धि होगी तभी जाके ये दोनों समस्याएं एक साथ हल होंगी। महंगाई गिरेगी, घटेगी, बेरोजगारी घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और समस्या सुलझेगी। और ये कागज पर नहीं धरातल पर होना चाहिए। और इसमें सरकारों को, नीति निर्धारकों को ये प्रयास होना चाहिए, करना चाहिए कि इस व्यवस्था में जहाँ कहीं भी लीकेज हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में हो, चाहे वो निर्णयों को क्रियान्वयन करने में देरी से संबंधित हो, इन सब पर सरकार को गंभीरता से ध्यान रखना होगा। और सारे जो अपने, जैसे कहा जाता है ना कि कई बार सरकारें ऐसे निर्णय ले थोपती हैं जो वास्तव में देश के हित में नहीं होती, और कुछ खास लोगों या जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जिन पर सरकार के दबाव होते हैं उनके हित में होती हैं, और तब अर्थव्यवस्था पर ये प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। सरकारों को इससे बचना चाहिए और देश, समाज और राष्ट्र के हित में अगर वो कार्य करें निष्पक्ष होके, तो निश्चित तौर पर ये जो स्टैगफ्लेशन की स्थिति है इससे बचा जा सकता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगले चरण में अन्य समस्याओं या मौद्रिक नीति से संबंधित अन्य विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।